सुखजिंदर रंधावा ने सांसद भगवंत मान के शराब छोड़ने वाली बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि भगवंत मान ने शराब छोड़ने की जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसके लिए भगवंत मान को नोबेल प्राइज देना चाहिए। साथ ही उन्होंने विक्रम मजीठिया पर भी तीखे वार किए। रंधावा ने क्या क्या कहा जरा आप भी सुनिए। भगवंत मान जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी, कहते जी उन्होंने शराब छोड़ दी है, तो मैं पहली तो कहूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट नूं ते आप वाले उतों दिल्ली गवर्नमेंट नूं चाहिए कि नोबेल प्राइज लिए इन्हों का ना मुझे रिकमेंड करके भेजना चाहिए कि एड्डी वड्डी कुर्बानी की उन्होंने कि लोगों के लिए वो शराब छट रहे हैं। तो प्रधानगी बन तो बाद देखा कि पहला वो जी सौ खाधी उन्होंने पूरी कर लें, बाद चे बारे जरूर तेरे चर्चा करा। वहीं बरगाड़ी मोर्चे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि धरना लगाना भी है तो प्रधानमंत्री मोदी की कोठी के बाहर लगाओ। अब देखना यह है कि रंधावा का ये बयान क्या मोड़ लाता है। विक्रम मजीठिया एक मैं गल याद करवानी चाहता कि अपनी गवर्नमेंट के दसा साल का वो जरूर वह भी स्टॉल ला के दसन कि डमी स्टॉल जी चिट्टे का भी ला के दसन कि किवें पंजाब से चिट्टा वेखता रहा, तो पंजाब के जो हालात इन्होंने बना दिते ने, जो गुंडागर्दी इन्होंने टाइम से, जो इन्होंने इलाके गैंगस्टर्स के नाल पुलिस के मुकाबले होने और उन्होंने गैंगस्टर रिलीज करा जी जेल आ ब्रेक हुई वो किनों नहीं पता कितने कहे बंदे रहे ने। ये जी कैप्टन साहब ने कहा कि स्मार्टफोन, मैं एक गल होर याद करवानी चाहना कि ढाई सौ रुपया इन्होंने 9 साल अपनी ओल्ड एज पेंशन रखी और अखीरले साल 6 महीने इन्होंने 500 दी। साड़ी गवर्नमेंट ने पहले दिन आद्या उ पेनशन 750 रुपये कर दी। जेडे करजा कहते जी करजा माफ़ी नहीं, इन्हां दे अपने इलाके जी करजे दी मैं लिस्टां ला देणियां ने कि मजीठिया साहब इन्हां नूं पढ़ो जां जिहड़ी चीज़ कीती ते साडी गवर्नमेंट ते कीता ते है ना, ते जे इन्हां नूं होर चाहीदा ते जाके उह मोदी दी कोठी दे बाहर धरना लाउण, ते उहदे च असीं वी जावांगे। डरदे इस करके नहीं लाउंदे कि जे मोदी नूं अखां विखाईआं ते भैण जी नूं नौकरी चों ना कढ़ देण, ते जे अखां विखाईआं ते कहिंदे चिट्टे दा मोदी साहब सारा कुछ खोल के पटारा ना बाहर रख देण। इस करके ये जिहड़े इहो जिहे लीडर हुंदे ने इन्हां तों बहुता सीरीयसली नहीं लैणा चाहीदा, ये अपनी होंद बचा रहे ने। इन्हां नूं ते बरगाड़ी नहीं लै पैणा, बैवल कलां दे विच जो इन्होंने किया ये हौली हौली साड़ियां पड़तां खुलणगियां। ये जिहड़े उन्होंने सोनी अपने जाखड़ साहब ने कहा कि मगरमाशा तक कम पहुंचेगा। बरगाड़ी की गल की है, बरगाड़ी को लैके मीटिंग जी है हुई सी, चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी और उन्होंने 15 फरवरी तक अल्टीमेटम दिता और जोड़े दो मंत्री दे के आए थे उन्होंने आश्वासन वो उन्होंने एक दिन नामंजूर किया भी मतलब साढ़े मंगा से पूरी नहीं कीतियां गई। मेरी गल सुनो, एक चीज़ तो मैं मेरा ख्याल है कि ये पंजाब का माहौल ठीक नहीं देखना चाहते। मैं बड़ा क्लीयर तो स्पष्ट दसना चाहना कि इन्हों की पहली मंग सी कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, दूजी सी कि जेडे कातल ने बैवल कलां वो अणपछाते नहीं होने चाहिए, पुलिस कभी अणपछाते नहीं हो पुलिस के ना नॉमीनेट करके उसकी इनकुआरी कर दी और वह बंदे अरैसट कर ले ने जिन्होंने बरगाड़ी दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, वह अज नाभा तो फरीदकोट जेल च बंद ने। तो मेरा ख्याल है कि होर तो इन्हों जो इन्हों मंगा सी इन्हों मंगा नहीं सी, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादा किया लोगों के नाल, तो ये पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिहड़ी जेल च बंद ने जिहड़े टाडा च बंद ने उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड करके केस भेज दिते ने और वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छड़ने ने, उहदे च पंजाब सरकार का कोई लैण देण नहीं। उत्थे स्टेज पर दस दिता गया सी, मैं ही गया सी उत्थे स्टेज पर दस दिता सी कि इन्हां बंदियां दे केस असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं रिकमेंड करके भेज दिते, जिहड़ा जिस चीज़ का इलाज ही साढ़े कोल नहीं वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल आ, ते जे इन्हां ने धरना लाउणा ते वह मोदी के दरवाजे के बाहर जाके लाउण, ते कैप्टन साहब ते असी सारी कैबिनेट इन्हां दे नाल जावांगे।